नमस्कार। आजकल जिंदगी वायरल स्टफ के सहारे बहुत चलती है। बात वायरल स्टफ की ही करूंगी, लेकिन ये वायरल स्टफ कुमार विश्वार और आरएसएस की कंट्रोवर्सी से जुड़ा नहीं है। ये वायरल स्टफ दिल्ली विधानसभा में क्या मारकुटाई हो गई इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये वायरल स्टफ देश में कहां नफरत का माहौल फैला हुआ है, हिंदू मुसलमान विवाद कहां चल रहे हैं, इन सब से जुड़ा हुआ नहीं है। बल्कि ये वो वायरल खबर है जो आप शायद कल से लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि आपको इसकी असली वजह पता है या नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में इलाके का नाम है मारुति विहार, जहां पर एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। 3 साल तक ये बच्चा घर के अंदर बंद रहा, क्योंकि मां इतनी घबराहट में थी, इतने खौफ में थी कि कोविड से ना मालूम बच्चे को क्या हो जाएगा। इसलिए 3 साल तक उसने बच्चे को घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया। तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखा रही हूं। सबसे पहले आप इस घर की हालत देखिए। पहले एक बार इस घर की हालत जब आप देखेंगे तो आपको एक खुले एरिया में ये घर दिखाई दे रहा है, लेकिन घर के भीतर जब आप झांकते हैं तो वहां पर राशन बिखरा हुआ पड़ा है, सब्जियां हैं, पैकेट कूड़े का अंबार लगा हुआ है। और जब इस पूरी तस्वीर पर आपकी नजर जाती है, ये एक हल्का सा ऑडियो पहले आप सुनिए कि जो महिला वहां पर पहुंची, आई एम श्योर कि ये जो एनजीओ वहां पर इस परिवार को, इस बच्चे को बचाने के लिए गया, ये उस एनजीओ की महिला की आवाज है। पहले आप एक बार इस आवाज को जरा सुनिए। ओहो क्या कर रहे थे भाई साहब आप कहां सोए हुए थे। हे भगवान, कहाँ सो रहे थे भाई साहब आप, कितनी कितनी नींद में पड़े हुए थे। ये वो हैरानी और वो प्रश्न चिन्ह है इस महिला के पहले रिएक्शन के रूप में। जो प्रश्न चिन्ह इस परिवार पर नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह एक समाज के रूप में हम सब पर है। क्योंकि एक बच्चा जो 3 साल से, जिसने सूरज की रोशनी नहीं देखी, 3 साल से जिसने बाहर की हवा महसूस नहीं की, 3 साल में बाहर की दुनिया से जिसका संपर्क नहीं हुआ, 7 साल की उम्र में कोविड के दौरान वो बच्चा घर के अंदर बंद हुआ और 11 साल की उम्र में जाकर बाहर आया, इस एम्बुलेंस में जब आप इस बच्चे को इस वक्त देख रहे हैं, जो अधिकारी वहां बैठे हैं उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो कि वो बच्चा क्या कह पाया क्या नहीं कह पाया। पर मुझे यहां पर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि इस बच्चे के जो पिता हैं वो दूसरे किराए के मकान में रहते रहे, लेकिन इन 3 सालों में क्या उनको यह एहसास नहीं हुआ कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आप सोचिए जरा, 3 साल तक एक बच्चा एक घर में बंद रह जाता है, आस पड़ोस के लोगों को भनक नहीं लगती। पड़ोस की एक महिला है, वो ये कह रही है कि हमें कई बार लगा बच्चा नहीं दिख रहा है, परिवार नहीं दिख रहा, तो हम फोन करके पूछ लेते थे कि आप ठीक है या नहीं है। हमारा देश तो उन परंपराओं का देश रहा है जहां पर आस पड़ोस के लोगों को अगर कभी कोई दिक्कत हो, बल्कि गांव का सिस्टम क्या है, गांव में आप किसी को अंकल आंटी नहीं कहते हैं। गांव में या तो कोई आपका चाचा होता है, कोई मामा होता है, या कोई दद्दू नानू बुढ़िया जी जैसे हमारे यहाँ पहाड़ में बोलते हैं, कोई ना कोई संबोधन होते हैं जो रिश्ते का एहसास कराते हैं। लेकिन ये रिश्ते, ये संवेदना शायद इस पूरे क्षेत्र में मैं कहूंगी मर गई। वरना घर की हालत आप देखिए, पड़ोस की महिला ये कह रही है कि जब सीलन आई तो हमने फोन किया, हमारे तुम्हारे घर की गंदगी से हमारे घर में सीलन आ रही है। यानी कि घर में फोन करने की वजह ये होती है कि सीलन आ रही है, हमारे घर में गंदगी हो गई है, इसलिए जाकर आप उस महिला से संपर्क करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि परिवार में, जितना मैं देख रही हूं, महिला भी अभी कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग उम्र वाले पड़ाव पर नहीं दिख रही है, बच्चा 11 साल का है। और जितना मैं तस्वीरों को देखकर समझ पा रही थी, इस बच्चे का नानी का परिवार होगा, यानी इस महिला की माँ और उनका परिवार मायका, इस बच्चे के दादाजी का परिवार होगा, परिवार में दादा दादी बुआ चाचा ताऊ, नानी साइड में मामा मामी मौसी, कोई और कजन, कोई तो लोग होंगे। 3 साल में उनमें से किसी को यह नहीं लगा कि यह परिवार सिरे से 3 साल से गायब है या कहां है, या सिर्फ अगर बातचीत हो रही है, फोन हो रहे हैं, आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है, वीडियो कॉल में घर की यह हालत नहीं दिखी, या वीडियो कॉल में यह नहीं पता चल पाया, 3 साल में कोई यह नहीं भाप पाया कि यह बच्चा कभी यहां से बाहर निकला या नहीं निकला है। तो कौन है गुनहगार? गुनहगार सिर्फ वो मां नहीं है,
उस माँ से गलती हुई कि कोविड की घबराहट में उसने बच्चे को बचाने के लिए कदम उठा दिया, लेकिन उसका बुद्धि विवेक शायद वहां खत्म हो गया जहां उसे यह नहीं पता चला कि 3 साल की ये जेल इस बच्चे के लिए क्या क्या लेकर आएगी। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ जो एनजीओ वहां पर पहुंचा इनको बचाने के लिए, उस एनजीओ के एक अधिकारी का, कार्यकर्ता का ये छोटा सा रिएक्शन आप एक बार सुनिए। उस बच्चे को रेस्क्यू करके लेकर आए थे और कल उसको इवेलुएट किया गया पीडियाट्रिशियन और साइकेट्रिस्ट द्वारा, लेकिन बच्चा और जो मदर दोनों थे वो दो साइकेट्रिस्ट ने हमारे इवेलुएट किया और पीडियाट्रिशियन ने बच्चे को भी इवेलुएट किया। वैसे वो स्टेबल थे लेकिन उनका साइकोलॉजिकल जो ट्रोमा कहूँ या साइकोलॉजिकल स्टेटस वो सो बैड के लास्ट में डिसाइड किया गया कि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है, ना मॉनिटरिंग, ना केवल मॉनिटरिंग बल्कि ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे वर डिनाइंग, स्टिल दे वर डिनाइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। इसको हायर सेंटर पर भेजने की जरूरत है और आगे इलाज के लिए उसको PGIMS रोहतक कल भेज दिया गया था। वो ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ट्रीटमेंट की जरूरत आज सिर्फ इस महिला और इस बच्चे को नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत शायद एक समाज के रूप में हम सबको है, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमें खबरें सोशल मीडिया से मिल रही हैं, हमें ये पता चल रहा है ट्विटर पर ये वायरल है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसी ने ये बोल दिया, उनके समर्थन में किसी ने ये कह दिया, विपक्ष ये कह रहा है लेकिन सरकार ये कह रही है, इसने ये आरोप लगा दिया, उसने वो आरोप लगा दिया, लेकिन इन सबके बीच क्या ऐसी चीजें जिनको लेकर एक समाज के रूप में हमें परिवार की तरह इकट्ठा होना चाहिए, हम क्या उन्हें भूलते जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, कोई तकलीफ में तो नहीं है? आज एक बहुत छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, ये मेरा अनुभव दरअसल जुड़ा हुआ है, मैं मणिपुर गई थी एक बार, मणिपुर में तमेंगलोंग नाम का एक इलाका है, वहाँ पर दरअसल मुझे एक IAS का इंटरव्यू करना था जिन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए 100 किलोमीटर की एक सड़क बनाई थी क्राउड फंडिंग से, फेसबुक से उस ज़माने में उन्होंने ये पैसे जनरेट किए थे, मेरे ख्याल से कम से कम 10 साल पहले की बात होगी शायद ये। वहाँ पर जब मैं वहाँ के समाज को महसूस कर रही थी, भाषा की दिक्कत थी, लेकिन मणिपुर क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है और हम बिल्कुल एक तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में थे, गाँव में थे, तो वहाँ पर मैं ऐसे लोगों से मिल रही थी, थोड़ी बहुत भाषा जो समझ पा रही थी इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, तो मालूम ही चला कि वहाँ पर अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी मदद की, तो लोग सीधे जाकर ये नहीं कहते कि हमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या हमें कुछ सामान चाहिए, वो जाकर नमक दे देते हैं। मतलब अगर हम, मेरे पड़ोस का एक आदमी मेरे घर पर आया मुझसे मिलने, दुआ सलाम हुई, तो उसने मुझे अगर नमक दिया तो नमक देने का मतलब मैं ये समझ जाऊंगी कि उसके घर में कोई दिक्कत है, उसको मदद चाहिए। अब वो मदद कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल रूप से आप करना चाहें तो कैश में दें अलग बात है, या फिर आप राशन मतलब अनाज वगैरह कुछ उन्हें दे दें, या कपड़ा, जूता, चप्पल, किताबें, जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत है लोग वो देते हैं, ताकि किसी को, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचे और उसे ज़ुबान से ये ना कहना पड़े कि उसे आपसे हेल्प चाहिए। ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, जहां इस तरह का एक उदाहरण तो मैंने आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से दे दिया, लेकिन आई एम श्योर ऐसे 500 उदाहरण उत्तर प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, हिमाचल प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर, गुजरात से लेकर, दक्षिण भारत तक होंगे। लेकिन क्या हम उन चीजों को भूल रहे हैं? ये घटना तो इसी तरफ इशारा कर रही है। इसीलिए आज इस वीडियो के जरिए मकसद सिर्फ यही था कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये गुरुग्राम के एक घर के एक माँ और बेटे की कहानी है, या माँ के पागलपन आप कह लें, या माँ के अति संवेदनशील या डर जाने की एक कहानी है, ऐसा नहीं है। ये सवाल पूरे समाज के लिए है। न्यूक्लियर फैमिलीज की हम बात करते हैं जो शहरों में लगातार बढ़ रही हैं, जहाँ पर करियर ओरिएंटेड कपल्स को ये लगता है कि एक बच्चा होगा, सिर्फ 3 लोग घर में हैं, माँ बाप बाहर जाते हैं, बच्चा घर में पल जाएगा, ये हम सोचते हैं, लेकिन उस पर हम कितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। देर शुड ऑलवेज बी अ फाइन बैलेंस। मैं खुद जॉइंट फैमिली में जीवन के 12-15 साल बड़ी हुई हूँ और मुझे पता है कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर उसके बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन के रूप में रिच करते हैं। किसी भी बच्चे को, किसी भी परिवार को अपनों से क्यों दूर होना है? इसीलिए अगर आपको ये वीडियो आज लगा हो कि इसमें ऐसी बात है जो रात को सोते वक्त सिर्फ 5 मिनट देकर हमें सोचनी चाहिए,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करिएगा, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मुझे बताएं कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपको लगता है कि समाज या एक मोहल्ले के रूप में न्यूक्लियर फैमिलीज में हम जिस तरह से जा रहे हैं, हम कुछ खो रहे हैं। अपने कमेंट्स में मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।